कैमरे से शर्माता है आज, काका कैमरे में आना पड़ेगा है। राधे आज कहाँ गई थी, पार्क में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम सब बढ़िया है। और आज के ब्लॉग के करते हैं शुरुआत। सुबह का टाइम हो चुका है 11:30 और मेरे पीछे मम्मी खाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सुबह की हमने चाय कुछ इत्यादि नहीं पिया है, सुबह ही हम छत पे आ गए थे। अभी धूप सेक रहे हैं और खाने में आज बन रहा है जो मम्मी ने कल बताया था, मेथी वाली मक्के की रोटी छत पर और चूल्हे पर मम्मी बनाएगी। तो अभी सामने मम्मी मेथी काट रहे हैं। हेलो हाय मम्मी कर रहे हैं। मेथी मम्मी ने काट के छोटी छोटी रख दी है, प्याज ये काट दिया है। तो इधर पापा लगे हुए हैं चूल्हे में लकड़ी डाल करके चूल्हे में आग जलाने के लिए। सारा सामान हम छत पर ही लेकर के आ गए थे, जो भी बर्तन है, ऑयल है, जीरा मसाला जो भी है इसमें डालने के लिए। भाई मम्मी ने रख दी है चूल्हे पे बनने, तो मम्मी इसमें डालने जे? हाँ, मेरे लिए कोई हेल्प है तो बता दो। इसमें मैंने जीरा भी डाल दिया ना। अच्छा, जीरा, इजबैंड, नमक, मिर्च। सुबह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ा अभी जा कर के आराम मिला है कि अभी धूप ज़्यादा लग रही है ना मम्मी। सो अभी पापा लगे हैं खाना खाने, तो इधर अभी मेरी बारी है आग जलाने की। आग तो वैसे जली हुई है, लकड़ी लकड़ी डालने की मेरी बारी है। तो अभी पापा ने तो खाना खा लिया है, अब मेरी बारी है। तो रोटी जो मेरी लग गई है, जे बन गई हमारी रोटी, जे साथ में मैं लिया घी, जे मक्खन। तीन रोटी खाऊंगा, एक मक्खन के साथ, एक घी के साथ और एक चाय के साथ। इधर हमारा ब्लॉग भी अपलोड हो रहा है। आप भी खाइए हमारे साथ खाना, टेस्टी हमें। तो अभी खाना पीना सारा हो गया है और हमारा ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है। और अभी लैपटॉप भी ना बहुत सारी धूल पड़ी हुई है, इसको भी सफाई करेंगे। सो काफ़ी टाइम हो गया है, बालों को मैंने तेल तो मम्मी से नहीं लगवाया है। मम्मी तेल लगा दोगे बालों को? पक्का? बाद में गुस्सा तो नहीं करोगे? मम्मी ना थक चुकी है, तो मम्मी सोच रही है कि आधा घंटा एक घंटा ना खाना बनाने के बाद मैं धूप सेकनी थी। तो अभी मम्मी बैठे हुए हैं। मम्मी सरसों का तेल ऊपर है छत पे? कहाँ पर? ये देखिए चूल्हे में खाना बनाने के बाद इसके ऊपर पंजाबी कन्ने लोहांडा ऊपर रख देता। तो ये है सरसों का तेल, ये ना टाइल क्लीन करने के लिए जहाँ से मिल जाती है, बहुत बढ़िया होती है। मम्मी बैठने वाली वो पीढ़ी कहाँ है? ये टूटी फूटी, ये हमारा पीछे ओपन एरिया है जहाँ से पूरी धूप जाती है, लेकिन फोन ना नीचे गिर जाए। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जुगाड़ पापा ने किया हुआ है। ये सिरके की बोतल थी, इसमें पापा ने पता नहीं क्या डाल दिया, इसमें वो है अपना डिटोल का हैंड वॉश है। इसको आप नॉर्मल बस समझिएगा कि पानी की झाग बना दी है, डिटोल का है, इसमें जमता नहीं है ना। अभी आप छुपा रहे हो हैं। सो अभी तेल लगाते हैं सिर में। कल क्या हुआ हमारे साथ, जहाँ से हम जैसे ही निकले ना नकोदर को इंटर करते, उससे पहले रोड की पूरी मरम्मत हो रही है। इतनी ज़्यादा धूल थी, इतनी ज़्यादा थी कि बालों में ना सारी मिट्टी 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 हो गई है। आज शैम्पू तो लगाया है लेकिन डेली डेली मैं लगाता नहीं हूँ, आज इसीलिए सुबह मैंने शैम्पू किया। तकरीबन 3 महीने के बाद मम्मी मेरे बालों को तेल लगा रही है। मम्मी ये जो एलोवेरा है इसको मुंह पर लगाने से कहते हैं रंग गोरा हो जाता है? हाँ। ये सच्ची बात है? मैं गोरा होता है? गोरा, चलो गोरे का तो पता नहीं, पर चमका जाती है, अच्छा हो जाता है, चमका जाती है। हाँ। अच्छा इस, लगता है। आपके घर में यदि एलोवेरा है इसको छील करके इसको आप खा भी सकते हैं, एलोवेरा का जूस भी बना के पी सकते हैं, इसको हेयर में भी लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं। हेयर पे लगाने से हेयर सिल्क हो जाते हैं, चेहरे पे लगाने से चेहरा चमक जाता है और खाने से भी तंदुरुस्ती आती है। सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है इसकी, सब्जी टेस्टी बनती है। मम्मी ने यूट्यूब पे देखा था, मम्मी ने बनाई है नहीं है जी। इसके नीचे दिखाओ छोटे छोटे बच्चे, इसके छोटे छोटे बच्चे भी हो गए हैं जी। देखिए एक दो तीन, कल गांव को निकल रहे हैं। मम्मी क्या बनाना है? यहीं से ना खाना बना करके ले जाएंगे, जैसे पहले लेकर के गए थे वहीं पर बैठ करके खा लेंगे। दाल बना ले, चावल बना ले? नहीं नहीं चावल नहीं बनाएंगे, बाकी देखते हैं ना, ठंड है ना, सर्दी है ना, ठंड में बहुत है। तेल ना, हाँ जी तेल ना, फिर हम
सुबह की मुझसे बात करा लो। अभी चर्चा ये चल रही है, बहन को कॉल किया जा रहा है कि गुड़िया की छुट्टियां कब पड़ेंगी, टिकटें बुक करवानी है, बहन भी साथ में जाएगी। सो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं जल्दी दिल्ली निकल जाऊँ, और क्योंकि पहले टिकट बुक करवा लेंगे तो इस बार सही होगा, नहीं तो छत की ऊपर वाली सीट मिलती है। अच्छा हेलो, हाँ सोया प्रणाम, कैसे हो? पता किया छुट्टियों के बारे में? अभी हर जगह मैंने अलमारी में, बेड बॉक्स में डोर देखी, डोर कहीं पर भी नहीं मिली। सो आज पतंग उड़ाना हमारा कैंसिल हो गया है। जितना मुझे पता है पिछली बार बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाने के बाद मैंने जो डोर थी वो अलमारी में रखी थी, और घर के काम काज के कारण पता नहीं कहाँ रख दी होगी। सो अभी वो प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया। अभी शाम के बज चुके हैं 3। सो 2 दिसंबर को पड़ोस में शादी थी, उस टाइम मैं दिल्ली में था। 2 दिसंबर को मोनू भैया का बर्थडे था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, शादी अटेंड नहीं की गई थी, और आज शगुन देने जा रहे हैं मैं और मम्मी, साथ में चले जाएंगे बहन के घर पे, क्योंकि आराध्या का कुछ सामान जहाँ पर रह गया था वो देना जाना है, जैसे कि उसका जो खिलौना है और उसके थोड़े से कपड़े हैं वो भी देने जाएंगे। कुछ मार्केट में मम्मी को काम है, वो काम भी करने हैं। देवीतला माता के मंदिर में मत्था भी टेक के आना है, और रात को कल की तैयारी करनी है। कल जाना है गांव में, वहां पे 2-3 दिन रुकने के बाद फिर दिल्ली चले जाएंगे, और दिल्ली की टिकटें भी अभी मैंने बुक करवा दी हैं, और तकरीबन 7 दिन के बाद दिल्ली की टिकटें हैं, और फिर दिल्ली के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। सो मैं अपने हेयर को सेट कर लेता हूँ, मम्मी सामने अभी तैयार हो रहे हैं, चले हमें। हाँ। ये इसमें डाल लो। इसे ऐसे क्या हुआ? चम चम। तो आप यही जूती पहनते हो कि और पहन लो? सो गाइस एक चीज दिखाता हूँ, इस रूम में आज तक कोई भी नहीं सोया है, ऐसे ही जब से दिल्ली से आए हैं ऐसे कपड़े कपड़े सारे पड़े हुए हैं। तो चलते हैं, अब ये सारे वृक्ष लगे हुए थे, चगुन देकर के अभी आ गए हैं। मम्मी को जे दिया उन्होंने, हमारे पंजाब में कहते हैं इसको भाजी, ये होती है भाजी। तो अभी पड़ोस के घर में जाना है, हमारा दरवाजा वो कैमरा देख के ना छुप गया जो लोग कैमरे से ज़्यादा छुपते हैं ना, तो उनको मैं ज़्यादा कैमरे में लेता हूँ। घर वालों को अंदर रख के बाहरों से लॉक कर दिया इसने, है देखो इतना कैमरे से शर्माता है, आज काका कैमरे में आना पड़ेगा। है हाय हेलो तो कर दो, इतना या कैमरे से शर्माता है ना पूछो मत। मैंने सोचा था आज मैं घर जा करके इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा, अभी कह रहा है कि मुझे कल के ब्लॉग में मत लेना, कटिंग कर दो, कटिंग नहीं हो पाएगी। ब्लॉग बहुत ज्यादा चढ़ेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर, और अभी आराध्या का सामान लेकर के चलते हैं बहन के घर में, और फिर वहीं से मार्केट चलते हैं। पापा अभी टीवी देख रहे हैं। अभी हम आए थे बहन के घर पे, डोर उसका खड़का रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, और शायद वो घर पे नहीं है, उसको कॉल करके पूछते हैं। मैंने एयरपोर्ट्स लगाए हुए हैं तो मैं ऐसे करके फ़ोन लगा रहा हूँ। हाँ सुबह कहाँ हो, कहाँ पर, कौन से पार्क? मैं ही वहीं आ जाता हूँ, मैं घर के बाहर खड़ा था। कंपनी ये कहाँ पर पड़ता है? ओके अच्छा, चलो मैं उधर आके कॉल कर लेता हूँ। ओके मम्मी को कुछ काम था सुनार की दुकान पर, और उन्होंने कहा कि 30 मिनट और लगेंगे। मम्मी का पायल थी उसको मम्मी ने ठीक करवाना था, एक टंका लगवाना था, 30 मिनट उन्होंने कहा है और लगेंगे। तो तब तक हम सोच रहे हैं कि देवीतला मंदिर चले जाते हैं, वहां पर दर्शन करा जाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं देवीतला माता रानी के मंदिर में। मैं पूरी वीडियो जहाँ की अभी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैंने देवीतला मंदिर की पूरी वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पर डाली है, क्योंकि जब मैंने अपने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी आज से 50 दिन पहले, तो देवीतला माता रानी का आशीर्वाद लेकर के जहीं से मैंने स्टार्टिंग की थी, और जहां के हर मंदिर की वीडियो उसमें डाली हुई है, और पूरा विवरण जहां का बताया हुआ है वो आप देख सकते हैं, वो है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में, जहीं से मैंने स्टार्टिंग की थी। सो मैंने सोचा कि जहां पंजाब में मैं आया हूँ, कल चला जाऊँगा गाँव में, तो आज माता रानी के दर्शन कर लूँ। तो मम्मी भी साथ में है, बहन गई हुई है अपने पार्क में गुड़िया के साथ। सो मैं
बहन का जो बैग है यहीं पर लेकर के आ गया हूँ। तो यहीं से सुनारे की दुकान से ले चलेंगे, वहाँ से सामान लेकर के बहन के घर चलेंगे, उसको गुड़िया को ये सामान पकड़ा दूँगा। जहाँ आकर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना हमें। ये मंदिर पूरा पानी में है, कितनी सुंदर लाइटिंग है, कितनी सुंदर यहाँ पर सजावट है। बहुत फेमस है माँ त्रिपुर मालिनी का मंदिर। सामने से मैं दर्शन कराता हूँ क्योंकि मैं अंदर फोन नहीं लेकर के जाऊँगा और अलाउड आजकल नहीं होता मंदिरों में। तो अभी दर्शन माता रानी के कर लिए हैं और अभी एक परिक्रमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी टाइम कितना हुआ है, टाइम हो चुके हैं 5:46 PM और तकरीबन उसने आधा घंटा कहा था, 15-20 मिनट के बाद फिर चलते हैं वहीं पर माता रानी के दरबार में, देवी तला मंदिर में। दिसंबर की 22, 23 और 24 तीन दिन जहाँ पर मेला है। बाकी आप यदि आना चाहते हैं थोड़ा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने किसी से पूछा है तो अभी चेयर लग रही है, पूरी स्टेज पूरा भवन अभी तैयार हो रहा है, अभी पूरी चेयर आ रही है सारी, ये सारा सामान आ रहा है, सामने इस तरफ लगेगा। तो अभी वहीं से बाइक लेकर के चलते हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं बहन के घर में, राध्या को मिलवाते हैं। राध्या, ये तेरा वहीं पर रह गया था। हेलो, ये आपका वहीं पर रह गया था, मैंने सोचा राध्या को मैं दे के आता हूँ। राध्या आज कहाँ गई थी, पार्क में? अच्छा, मुझे तो लेके नहीं गई साथ में, आएगी ना गाँव। चलो राध्या फिर बाय बाय, मैं चलता हूँ। हैं कल रेडी रहना, कल निकलेंगे हम स्कूल से, आते ना चलेंगे। स्कूल से जल्दी आ जाना, फिर चलेंगे फटाफट, 1:30 बजे जाएंगे। हैं छुट्टी कितने बजे होती है? इसे 12:50 पर, 12:50 पे 1:15 ऐसे आ जाएगी। तो यहीं से स्कूल से सीधा ले चलेंगे ना स्कूल से। तो चलो मैं कल आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है? और वैसे तो हमारा भी खाना पीना करते करते 1:30-2:30 ऐसे बज जाते हैं। फिर टाइम से ही चल पड़ेंगे। ठीक है। ओके राध्या, ये सारे खिलौने वहीं लेकर के चलने हैं। देखो ये राध्या के खिलौने, इसका क्या नाम, इसका मोटू है, इसका पता नहीं क्या नाम है, इसका भी क्या होता है, डोरेमोन, इसका है पतलू क्योंकि मैं कार्टून देखता ही नहीं हूँ तो मुझे इन चीजों का पता भी नहीं है। ठीक है, बाय 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 मेरी गुड़िया। चलो ओके, कैट के साथ खेलना, इसने कैट के साथ कहती खेलना मैंने। सो अभी हम घर पहुंचे हैं, टाइम हो चुका है रात्रि के शाम के 7। टाइम मैं बार बार क्यों बताता हूँ क्योंकि आप हमारे साथ बने रहते हैं और आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम में क्या चीज़ हो रही है। तो मम्मी अभी आए हैं, ठंड काफ़ी लगी हुई है, तो आज मम्मी चाय मैं बना देता हूँ, थोड़ा कुछ टाइम आप रेस्ट कर लो क्योंकि अभी तक ये भी नहीं पता रात के खाने में क्या बनाना है, तो उसको सोचने में भी 10 मिनट मम्मी को लग जाएंगे। तो रास्ते में बाइक पर यही बातें करते आ रहे थे कि अभी खाने में क्या बनाए। बैंगन पड़े हैं कि कल के पूरे कर दिए? नहीं है, दो तो पड़े हैं, पर सब्जी पता नहीं ना कितनी है। आलू बैंगन की सब्जी, आलू गाजर की सब्जी। अच्छा गाजर, बैंगन है आपके पास? बैंगन कल के बचे हैं? तो एक काम करो, बैंगन को उसको काट करके ना तवे पर तल के दे दो, क्योंकि बचपन में जब हम गांव में रहते थे तो वहां पर बगीचे में 2-3-4 बैंगन जब भी लगते थे मम्मी उसको काट करके ना और तवे पर उसको फ्राई करते थे, बहुत टेस्टी लगते थे। तो आज उसी से खा लें। क्या हुआ, ठंड लग रही है? सो अभी मम्मी तल करके बैंगन की सब्जी बनाने लगी है, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ना ये डाल दिए बैंगन, जो पतले पतले काट कर ना। ये कैसी सब्जी हुई? सब्जी नहीं है, ये है टाइम पास, ये टाइम पास वाली सब्जी है, इसके आगे लिखेंगे टाइम पास सब्जी। तो मैंने सोचा बता दो रेसिपी तो इसमें कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, तेल डाला, तेल को फ्राई कर दिया, उसमें काट करके जिस प्रकार मर्जी काट दो जब भूख लगी हो,
उस प्रकार काट दिया, नमक मिर्च हल्दी डाल दी, इसको फ्राई हो जाए तो इसको रोटी के साथ खा लिया, साथ में चाय ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये कल वाली सब्जी है आलू गाजर की, ये आज जो बनाया था बैंगन की जो सब्जी वो है, ये सुबह वाला आधा परांठा ये है, साथ में रोटी है, चाय है, ये चार है। मैं बेड पर कभी भी खाना नहीं खाता हूँ। आज ऐसा हुआ कि थोड़ा मैं काम कर रहा था यहीं बैठा बैठा और काफ़ी लेट हो चुके थे, मम्मी पापा ने खाना खा लिया है, मेरा वेट कर रहे थे, तो मम्मी अंदर ही खाना ले आई। मम्मी कहती काम करते करते टाइम पर तुम खाना खा लो। सो, बेड पर मैं नहीं खाता हूँ, ना ही कभी भी बेड पर बैठ करके खाना चाहिए, या तो फिर डाइनिंग टेबल पर खाना चाहिए या फिर नीचे बैठ करके। सो, आज थोड़ी मजबूरी है इसलिए मैं खा रहा हूँ। दूध भी गर्म होकर के आ चुका है, साथ में भाजी लेकर के आए हैं जो उन्होंने आज दी थी, तो जे साथ में खाएंगे ना, वो रखी तो है निकाल के ना। अच्छा अच्छा, तो वो पकड़ा दो, इसी के साथ खा लें। इधर मम्मी का ब्लॉग मैं अपलोड करने लगा था, टेस्टी है, थोड़ी भूख लगी थी, मैंने शाम को खाई थी। यदि वो ब्लॉग देख रही हूँ, हलवाई को कहना बहुत बढ़िया बनाई है। सो, इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए दिन की नई शुरुआत में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और कल मिलते हैं गांव में। गुड नाइट, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।